मित्रों, आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसी प्रकार की गठिया रोग और बहुत सारे नर्वस सिस्टम के रोग, उन पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे संधियों के रोग इसी से संबंधित होते हैं और आदमी को बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। आदमी काफ़ी परेशान रहता है, सभी जोड़ स्टिफ हो जाते हैं, उन पर सूजन आ जाती है, उनमें भयंकर वेदना होती है। इसी कारण से ये रोग लोगों को बहुत परेशानी खड़ी करता है। आप इस संबंध में आपको जो अपनी दिनचर्या है उसमें बहुत सारा सुधार करने की आवश्यकता है। दिन भर कमरों में एसी में रहना इस रोग को बढ़ाता है, इसलिए थोड़ा बहुत टहलना और सूर्य की रोशनी में रहना इस रोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपने खान पीन में भी जो ठंडी चीज़ें हैं, फ्रिज के आइटम हैं, खट्टी जो चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको बंद रखिए। जैसे शरबत, शिकंजी, दही छाछ वगैरह, लस्सी, छाछ, ये सब नुकसानदायक है। नींबू की शिकंजी जो लोग बार बार लेते रहते हैं वो भी इसमें नुकसानदायक है। इसी प्रकार खट्टे फल लेना भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें गरम खाना ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है और ताज़ा खाना ही ज़्यादा लाभप्रद रहता है। जहाँ तक हो सके खट्टे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए और मीठे फ्रूट्स भी इसमें कम ही लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स इसमें सभी लाभ करते हैं, इसलिए आप अखरोट है, आपके बादाम है, पिंड खजूर है, मुनक्का है, पिस्ता है, काजू है, ये चीज़ें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ के साथ बनी हुई सब्जियां या खट्टी चीज़ों के साथ बनी हुई सब्जियां जिनमें इमली, अमचूर वगैरह डाला जाता है वो नहीं लें। थोड़ा बहुत तेल का इस्तेमाल और थोड़ा घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों और तिल्ली का तेल बहुत ही अच्छा लाभप्रद है, इसलिए सब्जियाँ इन्हीं में बनाई जाए तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार लहसुन और दाना मेथी, इन चीज़ों का भी प्रयोग इसमें करना चाहिए। चाहे वो छौंक में डालें या उनकी चटनी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह ताज़ा खाना खाएं, समय पर आप कोई नाश्ता वगैरह लेते हो तो हल्का नाश्ता लें। दोपहर बाद में कोई चाय वगैरह लेनी होती है आपको तो ले सकते हैं, उसके साथ कोई हल्की फुल्की चीज़ जैसे मखाने वगैरह ये आप ले सकते हैं। बस इसमें एक ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, खट्टे और ठंडे फल वो नहीं खाएं। एक सुबह जल्दी उठ करके और सूर्य की रोशनी में थोड़ी चहलकदमी अगर ये करें और प्राणायाम वगैरह करें तो वो बहुत अच्छा लाभ करेगा। रात को जल्दी सोने का अभ्यास डालें और विलंब से सोना इसमें नुकसानदायक है। दिन भर यदि बैठे रहने का काम ज़्यादा हो तो थोड़ा थोड़ा बीच में विश्राम लेते हुए इधर उधर थोड़ा थोड़ा घूम के और आप अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं। सब्जियों में सौंठ, काली मिर्च, जीरा, हींग, लहसुन, प्याज, इनका इस्तेमाल थोड़ा ज़रूर करें और चटनी वगैरह बनानी हो अदरक की, लहसुन की, इनकी चटनी बना करके इसका उपयोग करना चाहिए। फ्रीज का पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गर्मियों में मटके का पानी थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। अब आपकी इस संबंध में कोई जानकारी हो तो हमको दोबारा जानकारी देवें और हम आपके समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। कृपया आपने यदि आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देवें और आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं हम तक भेजते रहिए, हम आपका समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।